सो हे व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक चीज़ और स्पेशल है, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ रोड ट्रिप। तो भाई आज हम लोग रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया था पहले वाले लास्ट व्लॉग में कि हम लोग एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप हम लोग जाने वाले हैं। तो भाई आज वो दिन है, हम लोग इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो पीछे अपने साथ कहाँ गए अभय? पीछे अभय है, बगल अपने भाई कामिल है। तो आज हम लोग चल रहे हैं इंटरनेशनल एक रोड ट्रिप पे, वो आपको बाद में बताएं कहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट पहले ड्राइव करते हैं। ट्विस्ट की बात बताऊँ आपको, ट्विस्ट की बात ये है भाई, निकलने से जब हम लोग निकल गए हैं उसके 10 मिनट के बाद भूकंप का झटका लगा है, जो कि 5.4 स्पीड से था। तो भाई बहुत मुश्किल से हम लोग घर से निकले, वरना घर से निकलने को नहीं मिल जाता। और जहां हम लोग जा रहे हैं ये वहीं का उसका मेन पॉइंट था जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। तो भाई हिम्मत है मर्द खुदा, बहुत हम लोग ने हिम्मत करके अब चले। इसीलिए भाई मैंने वीडियो स्टार्ट घर पर नहीं की, क्योंकि अगर वो करते तो भाई कैंसिल वैंसल हो जाता, तो भाई लेने के देने पड़ जाते। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस अब चलेंगे सीधे डायरेक्ट और मिलेंगे डायरेक्ट, समझ जाइए। अब बाय, आ चुके हैं हम लोग बाइक पे। तो अभी हम लोग अपने नवाबों का शहर लखनऊ को छोड़ के कम से कम 200-250 किलोमीटर काफ़ी दूर आ चुके हैं। अयोध्या हम लोग का क्रॉस हो चुका है। तो अच्छा, आप लोग को बताया भी नहीं मैंने कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और अभी भाई सही बताऊँ, रात के बज रहे हैं 4, ये देखो 4, इसमें देखो लिखा हुआ 4, अगर देख पा रहे हो तो। हम लोग रात में 12 बजे चले थे, 12:30 बजे मेरे ख्याल से हम पहुँचे थे गोमती नगर पे, और अभी बज रहा है 4 और हम लोग क्रॉस कर चुके अयोध्या। अब हम लोग निकल रहे हैं गोंडा की तरफ। तो भाई बता दें आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग निकल चुके हैं नेपाल के लिए इंटरनेशनल राइड, जो कि मेरी पहली इंटरनेशनल राइड है और सेकंड रोड ट्रिप है बाइक की। तो भाई काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी मतलब जोश भरा हुआ। तभी भाई पूरा दिन नहीं सोए, रात में भी नहीं सोए, बस 12 बजे और हम लोग चल दिए। तो भैया मज़ा है, कुछ है ऐसी चीज़ें वहाँ पे, तभी तो इतना मतलब उत्सुक है भाई, मतलब तभी इतना वो अंदर से, या क्या बोलेंगे उसको, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। वो वर्ड एक जो होता है वो नहीं याद आ रहा मुझको। तो भाई फीलिंग को समझ जाए, वर्ड को क्या ही करोगे समझ के। तो अभी हम लोग को चलना है मेरे ख्याल से 10-12 घंटे और अभी चलना पड़ेगा भाई। अभी तो पहले बॉर्डर आएगा, बॉर्डर के बाद फिर हम लोग को भंसार वगैरह बनता है वहाँ पे, परमिट वगैरह है वो बनवाना है, करेंसी एक्सचेंज वगैरह, मतलब सब प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे क्या पूरा होता है प्रॉपर। आपको पूरा हम वीडियो पूरा मतलब हर एक चीज़ डिटेल में दें कि आप अगर आगे आओ तो आप आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत ना हो आपको आने में। तो अभी हम लोग ये अयोध्या हम लोग ने क्रॉस कर दिया है, बस ऑन द वे टू गोंडा, गोंडा एंड बहराइच। तो भाई देखो यार, पूरा रास्ता कम से कम 700-800 किलोमीटर का है नेपाल को। तो भाई पूरा तो भाई हम आपको वीडियो दिखाएंगे नहीं, साला पूरा अगर दिखा देंगे तो मेरे ख्याल से वीडियो 6-7 घंटे की साला खिंच जाएगी। तो जो ज़रूरी ज़रूरी पार्ट होगा वो दिखाएंगे आपको, कि हाँ मतलब फालतू कुछ नहीं दिखाएंगे, ज़रूरी पार्ट, अच्छे व्यूज़, सनराइज सनसेट, मतलब सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा ही दिखाएंगे आपको, कुछ भी फालतू काम नहीं दिखाएंगे। तो अपने पीछे पूरा बैग एकदम लटपट बंधे हुए हैं एकदम पूरा कायदे से। लेकिन भाई ये है कि दूसरी हमारी रोड ट्रिप है, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो भैया हो चुकी है सुबह और राइड पे अपना एक नया दोस्त भी मिल चुका है, ये देखो प्यारा सा अपना डॉगी कालू। ए कालू चलो नेपाल घुमा ला, चलो भालू भालू, अरे इसको अपने पास को बहन, जो हट नहीं रहा बे, अरे इसको अपने पास कर बे, चलो उधर जाओ उधर जाओ उधर उधर जाओ, चलो उधर उधर जाओ उधर 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 ये उधर जाओ उधर ये चलो उधर जाओ चलो ये इधर आओ, बुलेट पे आ जाओ, बुलेट पे बुलेट पे। ये अपना प्यारा सा दोस्त मिल गया, ये देखो, अबे पीछा छोड़ दे भाई। तो चलते हैं बाइक पे बैठते, चलते हैं आगे, अपने दोस्त से बाय बाय बोले, चलो उधर जाओ उधर जाओ उधर चलो उधर
चलो उधर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो चलो अंदर, चलो अंदर जाओ, वही चलो अंदर चलो। तो भाई अपना पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, लगता है इसको भी नेपाल साथ ले चलना पड़ेगा। चलो बेटा आओ, आओ अंदर, चलो चलो अंदर, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर। तो भैया चलो पहले चलते हैं, वरना ये अब पीछा नहीं छोड़ेगा। कालू बाबाए, तो कालू तो पहचानता ही नहीं है। नहीं पहचानता है, पहचानता है। चलो अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ बाय। तो देख लो भैया, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी है इसकी अपनी। चलो भाई वो चला गया अपने घर और हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल पे। ओफो, तो भैया ठंड बहुत कायदे की है यहाँ पे। अंदर इनर वेयर, वार्मर, लाइनर सब कुछ पहने हुए हैं, राइडिंग जैकेट वगैरह सब डाले हैं, तब भी भाई कांप रहे हैं कायदे के आज। हालांकि अभी हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका, गोरखपुर। गोरखपुर से 90 किलोमीटर और हम लोग को चलना पड़ेगा, मतलब टोटल अभी राइड हम लोग की बची है अप्रॉक्स, अगर मैं सही हूँ तो 1.5 घंटे की। क्योंकि भाई ठंड इतनी तेज़ लग रही है कि भाई गाड़ी चलाने का मन ही नहीं हो रहा है कि स्पीड में भगाए, लेकिन ठीक है यार, चल रहे हैं, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही राइड पे देखो भाई कितने प्यारे प्यारे सुबह सुबह दोस्त मिल जाते हैं, तो दिन बन जाता है, मज़ा आ जाती है। हाँ थोड़ी फटती है वो चीज़ अलग है, लेकिन तब भी यार मज़ा तो आती है, दोनों चीज़ें फटती भी है, मज़ा भी आती है साथ में। रात में हम लोग 12 बजे चले थे और अब बज चुके हैं 6। बाप रे भाई, हम लोग एग्जैक्ट 6 घंटा चले, एग्जैक्ट 6 घंटा, तो सोच लो। हाँ ये था, बीच में थोड़ा रुक रुक के चले, 5-5 मिनट का ब्रेक, 10-10 मिनट का ब्रेक हर 100 किलोमीटर पर लेते हुए चले। हमारे ख्याल से 450 या 450 किलोमीटर हम लोग अब तक आ चुके हैं। गोरखपुर खुशीनगर, हाँ गोरखपुर आने ही वाला है, तो अभी थोड़ा गोरखपुर में रुकेंगे, चाय पानी करेंगे, फ्रेश होंगे। साथ में ये दोनों अपने भाई हैं। भाई राइड पे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंड बहुत तेज़ लग रही है। पीछे कामिल बैठा है, ड्राइव अभय कर रहा है, तो हम लोग बाइक मिल बांट के चला रहे हैं ताकि कोई बोर ना हो, किसी को नींद ना आए, और अच्छे से अपना पूरा सिस्टम बन रहा है। चलिए भैया चला जाए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है अपने को। तो भैया अभी ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं ना यार, दिल खुश हो गया, मतलब कि 12 घंटे तब से चलते चलते भाई ये इतना प्यारा सा एक लोकेशन मिला है। पीछे का व्यू देखो यार, पीछे सूरज कहाँ गए, सूरज मामा, वो पीछे सूरज, ये सामने आप देख पा रहे होगे, सनराइज हो रहा है, बहुत प्यारा सा। कैमरा बैक करके आपको व्यू दिखाते हुए देख लो, दिल खुश हो जाएगा भाई। ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं और भाई साहब, भाई व्यू देख रहे हो, व्यू देखो यार, लग रहा है भाई हम लोग बादलों के ऊपर चल रहे हैं। मतलब है तो ये वो फॉग है, लेकिन भाई अलग ही तरीके का फॉग नज़र आ रही है। ये देखो सनराइज हो रहा है सामने से, यही सब व्यू देखते तो भाई हम लोग इतनी दूर दूर चले चले जाते हैं बाइकों से। अभी तो इससे और अच्छे अच्छे आपको व्यूज़ दिखाएंगे, वो व्यूज़ देखेंगे तब मज़ा आएगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है सिर्फ, बाकी आगे ये पिक्चर तो पूरी बाकी है। ये ट्रेलर तक की नहीं था, एड तक की नहीं था, अभी आगे चलते आगे दिखाते हैं और चलते। तो दोस्तों फाइनली मुझको तो लग रहा है कि बॉर्डर अब आ चुका है, क्योंकि ट्रक्स यहाँ पे लाइन से लगे हुए, एक लेन पूरी ट्रक से ही भरी पड़ी, इसका मतलब बॉर्डर पास में ही है। जल्दी है बॉर्डर आए, रात में हम लोग 12 बजे से चल रहे, थक गए बॉर्डर देखने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम लोग अब थक चुके हैं एकदम, बस जल्दी जल्दी बॉर्डर आए तो अपना काम आगे बढ़े।
बाकी अभी वहाँ पहुँच के भंसार बनवाना है, बहुत काम है यार अभी जाके। पहले तो कुछ खाए पियेंगे और सोने का भी सोच रहे हैं क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। बीच में भी क्या हुआ था, मैं कैमरा ऑन नहीं था, चलते चलते मेरी आंखें बंद हुई और मैं लेन के उस पार हो गया। ये कहिए कि मतलब कोई गाड़ियाँ सामने से नहीं आई थी, वरना भाई गया था। एक बार वो हुआ, फिर चल रहे आगे, आंखें बंद हुई, मैं इधर इस लेन में मतलब इसी लेन में इस साइड घुसा चला जा रहा। तो मतलब वही है ना, रात से गाड़ी चला ही रहे तो ये दिक्कत होती ही होती है। तो वही सोच रहे थोड़ा सो लिया जाए यार, वरना आपका भाई क्या फ़ायदा वीडियो बनाते बनाते नहीं भैया, आराम से जाना है, आराम से घर भी आना है भैया वापस। अरे व्हाट इज दिस, अच्छा सॉरी, अच्छा हम कैसे, साला जाम लगा हुआ है क्या? लेकिन इट्स नॉट द जाम। अब हम लोग को कहाँ जाना है? अरे जिस डायरेक्शन में ट्रक का मुंह खड़ा है बस समझ जाओ वहीं पहुंचना है हम लोग को, वही जाएगा अपना सीधा बॉर्डर। जल्दी बॉर्डर आ जा मेरा भैया। अभी यहाँ से काठमांडू मैंने देखा था 288 किलोमीटर है भैया, वही पहाड़ का रास्ता है 288 किलोमीटर, मान के चलो 9 घंटा और। बाप रे बाप, भैया हालत ख़राब हो जानी है आज बहुत कायदे की। ओहो नेपाल नेपाल नेपाल, लो भैया नेपाल पहुंच गए, बॉर्डर भी आए वाला है। अब यहाँ पे जाके ट्रक की लाइन, अरे लो नाम लिया ही बस फिर से सामने आ गई ट्रक। चलिए पहुंच चुके हम लोग नेपाल बॉर्डर पे। तो यहाँ पे आपको एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे दे, अगर नेपाल बाइक से आ तो इस चीज़ का बहुत खास करके ध्यान रखना। देख लो जो मेरी बाइक के साथ हो रहा है वही तुम्हारी बाइक के साथ भी होगा। ये मान के चलो अगर तुम्हारी बाइक में साइड मिरर या कोई भी मिरर अगर नहीं लगे और अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जो होता ही होता है पकड़ा ही जाता है, तो 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 5,000 रुपये का ऐसे ही लोग फाइन लगाएंगे। तो भाई वही अभी देखो साइड लिवर लगा हुआ था, बताओ साला मुझे लुक ख़राब करना पड़ा अपनी बुलेट का बेकार से मिरर के चक्कर में। भाई इनके नियम और रूल कानून कायदे अलग है भाई, इंडिया के अलग हैं अपने, तो भाई जहाँ जा रहे उनके नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो भाई आप अगर आओ तो अपने घर से अपना खुद का मिरर साइड मिरर लगा के आओ, वरना यहाँ पर फंसोगे। और हाँ दूसरी चीज़ और, अगर आपका साइड इंडिकेटर अगर टूटे हुए हैं तो इसके ऊपर भी आपका चालान कर सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। भैया बाहर आओ तो इन सब चीज़ का ध्यान रखो, पूरी इंफॉर्मेशन लेके तभी बाहर निकलना। हेलमेट का शीशा टूटा होता है तो सीधे जेल, सुना हेल क्या चीज़ भाई, हेलमेट का शीशा टूटा होगा सीधे जाओ टाटा बाय बाय। आपका जो हेलमेट का जो शीशा है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वो वाइज़र होना चाहिए। ये सब चीज़ें भैया वीडियो में बता रहा हूँ समझ लो, अगर आना हो। तो भैया साइड मिरर लग चुके हैं जिससे अपनी बुलेट का लुक पूरा हो चुका है ख़राब। अब यहाँ से यू टर्न ले और चलते डायरेक्ट बॉर्डर पे। भाई नेपाल में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ के ट्रैफिक रूल्स नियम वगैरह हैं फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पछताओगे। सो मैंने अभी जैसे वीडियो में बताया, अगर इधर आ रहे हो तो इन सब चीज़ का ध्यान देना भाई, नहीं दोगे तो तुम गए काम से, इतना समझ लो। यहाँ पे फाइन यहाँ बहुत लंबा लंबा बहुत तगड़ा तगड़ा है यहाँ पे। तो ये बॉर्डर की मार्केट है, यहाँ पे आगे बॉर्डर पे चेकिंग चलेगी तो उसी वजह से सब यहाँ पे रुके हुए हैं सब लोग। तो बॉर्डर का नाम है सनौली बॉर्डर, सनौली।
मार्केट है सनौली की भाई, वो सामने देख रहे हो वो अपना इंडिया का कलर ट्री कलर, तो ये है अपना नेपाल का बॉर्डर, यहाँ पे इंडिया फिनिश हो जाएगा, इसके आगे हम लोग पहुँच जाएंगे डायरेक्ट नेपाल इंटरनेशनल। सो फाइनली इतने समय बाद, दिन रात चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अब अपना नेपाल बॉर्डर, सो कॉल्ड सनौली बॉर्डर। कौन है पीछे से पाँव 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 लगाए है, आओ आओ। सो दिस इज आर बॉर्डर, तो यहाँ पे हम लोग को रुकना पड़ेगा, चेकिंग वगैरह होगी यहाँ पे। हाँ आगे रुकना है, यहीं रुकना है, तो यहाँ पे अभी आईडीज वगैरह चेक होंगी अपनी, उसके बाद एंट्री मिलेगी हम लोग को। तो अभी आईडी की फ़ोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस करवाना है अभी, क्योंकि भंसार बनेगा हम लोग का यहाँ पे, तो चलिए अभी देखते हैं, अभी मिलते हैं अभी आपसे। तो भैया यहाँ पे अपना जो लगेज है, तो लगेज यहाँ पे स्कैन होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अपना अभी लगेज स्कैन होगा, तो लगेज स्कैन करवाते पहले, तो ये लगेज वाली मशीन वगैरह है, कहाँ उस तरह से डालना है बैग, चलो वापस उधर, तो यहाँ से डालेंगे पहले बैग। आओ, कहाँ जाना है? जाना है जहीन सर, जाइए। ये बैग कहाँ पे स्कैन नहीं होगा ना, वहाँ जाइए, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो चलती रहती, बंद कर दे, वहाँ जाइए एंट्री कराइए। अब ओए एंट्री हो गई तुम लोग की, बोल ले वहाँ पे एंट्री होगी पहले, वहाँ पे जाके चेक करा लीजिए, वहाँ पे एंट्री करा लीजिए, एंट्री करा के निकलिए। तो यहाँ पे आपको दलाल मिल जाएगा, दलाल जो कि आपसे 100 रुपये लेगा, और आपके सारे काम यहाँ पे भंसार वगैरह जो भी बनवाना है वो सब कुछ बनवा के आपको प्रॉपरली दे देगा। बाकी लगेज वगैरह चेक होते हैं, तो आप एंट्री अपनी करवाइए आके यहाँ पे, तो प्रोसेस वो होता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी थी ताकि कुछ मतलब ऐसे फालतू मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो अभी चलते हैं दलाल जो अपना है, भंसार जो अपना बनवा रहा है उसके पास, उसको 200 पर डे का भंसार बनेगा अपना। लेफ्ट बोला था इसने, लेफ्ट, हाँ, तो 200 रुपये पर डे का भंसार बनेगा। आप जब भी आओ एक दिन का आप एक्स्ट्रा यहाँ पे भंसार अपना बनाओ, क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो यहाँ पे आपका चालान ऑन द स्पॉट कटेगा। तो फाइनली इंडिया और ये नेपाल, तो भैया हो चुका अपना एंट्री नेपाल में, 8 साल 8। तो यहाँ पे भंसार का ऑफिस, और यहाँ पे 200 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगा। आप लोग एक दिन का एक्स्ट्रा ज़रूर बनवाइए, अगर एक दिन लेट होगा टाइम के हिसाब से तो आपकी पेनल्टी पड़ेगी 1250 रुपये। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आना है आपको भंसार, बाकी है आप इनको 100 रुपये दे के अपना काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका परमिट बन के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं, जब ये आ जाएगा तब हम लोग आगे निकलते हैं काठमांडू के लिए। हम आए थे करेंसी चेंज करवाने, जिसमें कि हमने दिए थे भैया को 21,000 रुपये, और 21,000 रुपये दिए थे हम लोगों ने, और इन्होंने भैया ने हमें दिए 32,500। यहाँ पे नेपाली जो रुपीस चल रहा है वो चल रहा है 155 रुपीस चल रहा है इस टाइम पे करंट में जो भी है हमारा। तो हमें भैया ने दिए हैं 32,550 रुपये, और अब हम भैया से सिम ले रहे हैं, नेपाली सिम भी हम लोगों ने लिया है एक, और इसमें क्या नाम है 7 GB डेटा है और 7 दिन के लिए वैलिड है ये,
लाइफ टाइम वैलिड है और 7 GB डेटा है, 7 दिन के लिए होता है ये। चलिए ठीक है, अब ये भी ले लिया है, 350 रुपये का ये पड़ा है। आपके बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको वहीं पे ये मिल जाएगा, आपको ज़्यादा 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो भाई अपना भंसार रेडी हो चुका है, सारा काम अपना कंप्लीट, करेंसी एक्सचेंज हो चुकी है। अभी ऊपर अभी एक जगह हम लोग कहीं होटल वगैरह बैठेंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे करेंसी का क्या पड़ा, भंसार का क्या पड़ा, सबका जो जो पड़ा वो आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देंगे, ताकि आप लोग को आएंगे तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी निकल रहे हैं काठमांडू के लिए डायरेक्ट, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग काठमांडू के लिए डायरेक्ट, और पहले आगे देखते हैं कुछ खाना पीना है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। सो लेट्स गो टू काठमांडू। भाई फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं नेपाल में, इंडिया पीछे, तो मिस यू इंडिया। मिलते हैं हम लोग 10 तारीख को, हाँ 10 को। अभी बस हम लोग व्यू के मजे लेंगे और कुछ नहीं, बस बातें शांत करेंगे, लेकिन काम